इस फ्राइडे इतनी सारी फिल्म रिलीज हुई कि आप लोगों के लिए तो मूवी लिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। सॉरी, पर देर आए दुरुस्त आए। आज के इस लिस्ट में मैंने कुछ ऐसे हॉरर मूवीज को रखा है जो आप लोगों को कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के इस लिस्ट में पहली मूवी है राज। 6.6 की IMDb रेटिंग वाली विक्रम भट्ट की 2002 में आई ये फिल्म। ये फिल्म की कहानी बताती है एक ऐसे कपल की जो अपने टूटी शादी को बचाने के लिए ऊटी जाने का प्लान करती है, जहां से उनकी लव लाइफ शुरू हुई थी। बट वहां जाकर वो एक ऐसे आत्मा के चक्कर में पड़ जाती है जो उनके पास्ट से जुड़ी होती है और हीरो को मारकर अपने साथ ले जाना चाहती है। आशुतोष राणा की क्लाइमेक्स में एक्टिंग बहुत ही डरावनी है और मूवी का बेस्ट सीन भी है। इसके साथ फिल्म में बिपाशा बासु, डिनो मोरिया, मालिनी शर्मा और विश्वजीत प्रधान भी नजर आए थे। लिस्ट में अगला नाम है स्त्री। दिनेश बिजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पहली फिल्म, जो डायरेक्टर अमर कौशिक की भी पहली फिल्म थी, जिसकी कहानी है चंदेरी गांव की, जिसके लोग एक स्त्री नामक चुड़ैल के साये में जी रहे होते हैं। क्योंकि त्योहारों के दिन वो गांव के मुर्दों को उठाकर ले जाती है, तब विक्की और उसके दोस्त इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। राजकुमार राव का दीवार पर सुसू करना और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का स्त्री द्वारा किडनैप लिटरली बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। इसके अलावा इसमें श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और विजय राज भी नजर आए थे, जिसका म्यूजिक डिजाइन किया है सचिन और जिगर ने। ये फिल्म आपको हंसा हंसा कर डराती है। आज के लिस्ट में तीसरा नाम है तुम्बड़। नियरली 2 आवर्स की ये अंडररेटेड मास्टरपीस 2018 में आई थी और दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई थी। गूगल पर 98% लाइक और IMDb पर इसकी 8.2 की रेटिंग इसका सबूत है। आनंद गांधी की डायरेक्शन और पंकज कुमार की सिनेमेटोग्राफी ने इसे और उम्दा बनाया है। कहानी है एक ऐसे परिवार की जो खजाने की लालच में एक ऐसे राक्षस का मंदिर बनवाता है जिसे कोई नहीं पूछता और ये उनके लिए भी आसान नहीं होता। लिस्ट में चौथी फिल्म है पिज्जा। 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पिज्जा डिलीवरी करता है। अपने बॉस के यहाँ से डायमंड्स की चोरी करने के लिए और पुलिस से बचने के लिए वो जो हॉरर स्टोरी बताता है वो एक दिन सच हो जाती है, जब वो अपने गर्लफ्रेंड को ये कहकर जाता है कि ये लास्ट पिज्जा डिलीवरी करके इस टाउन को छोड़ देगा और एक लग्जरियस लाइफ जिएगा। कहानी का आगे बढ़ना और पिज्जा का एक एक स्लाइस गायब होना सच में डरा देता है। अक्षय अकनेनी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जिसमें अक्षय ओबेरॉय, दीपांता शर्मा, पार्वती नजर आए थे। लिस्ट में मैं 3 फिल्म बिना रिव्यू के बता रहा हूँ, क्योंकि इन फिल्मों को थ्रिलर और सस्पेंस के साथ देखने में अलग ही मजा है। पहला है परी, सेकेंड नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है द हाउस नेक्स्ट डोर और थर्ड में है भूल भुलैया 2। अब आप मूवी देख के बताओ कि आपको ये सब मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।